सब बढ़िया होंगे। इसी के साथ चलिए नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम जा रहे हैं अभी आज गांव में शादी में। एरोप्लेन एरोप्लेन भी साथ में और साथ में ट्रेन भी आ रही है। ट्रेन नहीं दिख रही है इसमें, एरोप्लेन बस दिख रहा है। एयरफोर्स स्टेशन बमरौली, ये बमरौली आ गए ना। देखिए फ्लाईओवर बन के तैयार हो रहा है अभी, तैयार ऑलमोस्ट तैयार हो गया था। उसके बाद पता चला कि हाँ फ्लाईओवर बनना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बगल में एयरफोर्स स्टेशन है और उनको लगता है कि जब भी कोई प्लेन ब्लेन आएगा, जो सुना है जो लोगों ने बताया है, हाँ, तो हो सकता है रिस्की हो सकता है जब भी प्लेन लैंड करे तो रिस्की हो सकता है, इसलिए फ्लाईओवर पूरा बंद हो गया। बट अभी यूज में बिल्कुल भी नहीं, जीरो यूज में, बिल्कुल नहीं यूज में। और ये तब रियलाइज हुआ लोगों को जब ये पूरा बन के तैयार हो गया। बता पूरा फ्लाईओवर बन के तैयार है, नो यूज है इसका, कोई यूज नहीं है, एज इट इज ऐसा ही है। इससे अच्छा कहीं और बना देते, हाँ, पूरा पैसा मनी सब वेस्ट हुआ। मनी वेस्ट नहीं है, रोड भी तो खराब हो गई, रोड भी तो खराब हो गई, रोड सगली हो गई। हाँ बढ़िया चौड़ी रोड थी, नहीं तो एंड हो गया। हाँ पूरा बंद है। अब हम आ गए हैं गाँव वाली रोड में ना, अब हम गाँव की तरफ आ गए। दोनों तरफ खेती के दिखाई दे रहे हैं। गेहूं होंगे, गेहूं गेहूं ही है, हाँ गेहूं है, दूर दूर तक गेहूं के खेत। कितना अच्छा लग रहा, देखो ग्रीन, हाँ पूरा पूरा डार्क ग्रीन है और पूरे प्लेन खेत है बिल्कुल। ये देखिए हम कितनी पतली सकरी रोड से जा रहे हैं, जा रहे हैं और भगवान से मना भी रहे हैं कि उस तरफ से कोई और गाड़ी ना जाए। हाँ नहीं तो गाड़ी फंस जाएगी, फंस जाएंगे, नहीं तो आगे जाएगी गाड़ी पीछे जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी की जगह है। कौन से गांव है ये? सतवा, सतवा गांव। अच्छा सतवा ही है अभी ना। चलो भगवान की दया से यहाँ से हम निकल गए। अब यहाँ से चौड़ा है, हाँ तो आगे से चल गए, मतलब चौड़ा मतलब भी ठीक है, गांव खत्म हो गया। ओके खुली रोड आ गई, हाँ थोड़ी सी खुली रोड आ गई। सतवा, सतवा के आगे फिर नदी पड़ेगी, हाँ। और नदी के बाद फिर अपना चिल्ला गांव आ जाएगा। गांव गांव की रोड की सैर कराते हैं, कैसी गांव की रोड, थोड़ा सा चलेंगे फिर हमारा गांव आ जाएगा, चिल्ला के बाद गांजे आ जाएगा, और फिर चिल्ला के बाद गांजे जहाँ की हमको जाना है। हाँ। अभी हम गांजे जा रहे हैं, गांजे जा रहे हैं। देखो दूर दूर तक खेती की दिखाई दे रहे दोनों साइड, बीच में एक ही दो घर दिख रहे हैं। हाँ बेटा गांव है ना ये, हाँ यहीं से अनाज मिलता है खाने को। देखो गेहूं लगे हुए हैं, जिसे सतवा लग रहा है, ये भी सतवा है। अच्छा अभी सतवा, ये देखो आम के बाग, इसमें बहुत अच्छे अच्छे आम लगते हैं। देखो आम के बाग, अगर कभी गर्मी में आएंगे तब दिखाएंगे, बहुत अच्छे आम लगते हैं, घने घने पेड़ है एकदम नीचे तक। ये अभी गेहूं का खेत चला रहा है, नदी के पुल के पास है। कौन सी पानी नदी है? पानी नहीं है, बड़ा अजीब सा नाम है इसका, ससुर खदेरी नदी। अच्छा ससुर खदेरी नदी, और एकदम सूखी हुई, हमेशा सूखी रहती है, पानी रहता नहीं इसमें, ये बिल्कुल सूखी नदी है, ससुर खदेरी नदी नाम है इस नदी का। थोड़ा सा पानी है, पहले कभी पानी रहा होगा, हाँ पहले कभी पानी रहा होगा, पुल बना हुआ है इसके ऊपर, अभी तो नहीं, थोड़ा सा पानी था बिल्कुल, पता है नाले जैसा। इधर से चलो, अब हम ये एडवेंचर वाली रोड की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल एकदम छोटी रोड है, बस उस तरफ से कुछ ना जाए, बस कुछ ना आए, चल ये देखते हैं कुछ आता है। छोटी छोटी रोड मिल रही है, देखो बिल्कुल एकदम छोटी रोड है, बाइक भी आ जाएगी तो वो भी नहीं निकल पाएगी। ओह माय गॉड, निकालते हैं भगवान का नाम। बात तो एकदम बहुत ज्यादा दीवार और पतली सी रोड, ये देखो कहीं भी नहीं जा सकता अगर कोई रोड कोई कुछ भी आ गया तो। सिर्फ एक
कार की जगह है, वो भी छोटी कार बड़ी कार, छोटी कार की बड़ी कार की जगह नहीं, बड़ी कार की जगह नहीं है। बस थोड़ा सा और फिर हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से। किनारे से नालियाँ हैं, आराम से लेना। बाइक वाले भी आ गए, अब तो निकल गए, कुछ और ही वाले लड़की वाले हैं और गांजे गांव वाले लड़के वाले। अच्छा, तो चिल्ला गांव वाले तिलक लेके आज गांजे जाएंगे, बच्चे वाले, बच्चे वाले। तो तिलक के साथ साथ आज रिसेप्शन भी है एट होम। प्रीति भोज, हिंदी में प्रीति भोज है आज, और हम प्रीति भोज खाने जा रहे हैं ना। देखो यहाँ रोड अच्छी बनी हुई ना, इधर की रोड ही बढ़िया है। हाँ, तो ये गांजे गांव शुरू हो गया। अच्छा, गांजे गांव। अब हम आ गए हैं गांजे गांव में, देखो कितना अच्छा घर बना। स्टार्ट हो गया गांजे गांव। वो केले के खेत, केले के खेत स्टार्ट हो गए हैं। केले लोग बहुत लगाते हैं, देखो इस साइड केले के, मतलब गांजे में केले बहुत बढ़िया होते हैं। आगे केले सरसों के। अच्छा, ये है हमारा ट्यूबवेल, दिखाई दे रहा है ना जहाँ भैंस बंधी हुई है। ये आ गए हैं हम सांगे में। शादी से वापस अब हम जा रहे हैं घर की ओर। ये है गांव का रास्ता, रात में 9 बजे, सुनसान है बिल्कुल, बिल्कुल सुनसान है, कोई नहीं, कोई नहीं है, दोनों तरफ खेत ही जंगल टाइप है। हाँ, खेत ही खेत है, जंगल है। आगे साइड सरपत लगी हुई है, उसको सरपत बोलते हैं जो आगे आगे लगी हुई है। सामने से गाड़ी आ रही है, गाड़ी आती है नहीं तो पूरा सन्नाटा रहता है, पूरा सन्नाटा। और 9 बजे मतलब, हाँ 9 बजे इतना ज्यादा सन्नाटा लग रहा है रात के, बिल्कुल पता नहीं कितनी खनखनी रात हो गई हो। ये देखिए जाम, ट्रक ही ट्रक खड़े हैं, बस घर से हम 400 मीटर की दूरी पे हैं।